गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। चौथा यूनिट हमारा चल रहा था मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमने पढ़ा था सबसे पहले अरब आक्रमण, और उसके बाद दूसरा हमारा था तुर्क आक्रमण, और चौथा है मुगल आक्रमण, तीसरा मुगल आक्रमण। जो हमने अरब आक्रमण पढ़ा उसमें भारत में अरबों का आगमन और प्रभाव पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी का पहला आक्रमण था, वो पड़ा। दाहिर सेन का प्रतिरोध, सिंध शासक दाहिर सेन ने किस तरह से प्रतिरोध किया था वो पड़ा, और मोहम्मद बिन कासिम का अंत जो है वो किस तरह से हुआ वो हमने अरब आक्रमण में पढ़ा था। उसके बाद तुर्क आक्रमण की हम बात कर रहे थे, और तुर्क आक्रमण में महमूद गजनवी जो गजनी प्रदेश का है, महमूद गजनवी उसका आक्रमण और प्रतिरोध। उसके बाद सुबुक्त गीन सनसनवी वंश से संबंधित है, जैसे ये गजनवी यामिनी वंश से संबंधित था, सुबुक्त गीन सनसनवी वंश से संबंधित है, और इसी वंश से मोहम्मद गोरी का आक्रमण और मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा किया गया प्रतिरोध ये हमने पढ़ा था, और पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियां वो हमने पढ़ी थी। तुर्क आक्रमण की हम बात कर रहे हैं इसके अगले बिंदु पर, और इस तुर्क आक्रमण में जो सल्तनत साम्राज्य स्थापित हुआ था मध्यकालीन भारत में, सल्तनत साम्राज्य, और ये सल्तनत साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ था 1206 ईस्वी में सल्तनत साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और पहला जो राजवंश था मामलुक वंश, जिसे हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, गुलाम वंश। और इस गुलाम वंश में भारतीय क्षेत्र का जो गवर्नर था कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मामलुक गुलाम सल्तनत की शुरुआत की थी। उसके बाद इल्तुतमिश शक्तिशाली शासक हुआ जिसने अपने सल्तनत साम्राज्य का स्थायीकरण किया, और उसके बाद रजिया सुल्ताना, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, मसूद शाह, बहमन शाह, इस तरह के शासक हुए, बलबन शक्तिशाली शासक हुए, और बलबन के अंतिम दौर में केक्यूबाद और क्यूमर्स उसके जो उत्तराधिकारी हुए। बलबन के समय अफगानिस्तान का एक प्रदेश है खल्ज प्रदेश, ये खल्ज प्रदेश है अफगानिस्तान में। इस खल्ज प्रदेश के हेलमंद नदी क्षेत्र है। इस नदी क्षेत्र के रहने वाले एक तुर्क लोग थे जिन्हें खल्जी या खिलजी कहा गया, और इस क्षेत्र का जलालुद्दीन खिलजी, जिसने क्यूमर्स के बाद यानी गुलाम वंश के अंत के बाद खिलजी वंश की स्थापना की थी, और ये खिलजी वंश की स्थापना हुई थी 1290 ईस्वी में।
खिलजी वंश की स्थापना के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जो सामरिक क्षेत्र थे, सामरिक क्षेत्र, उन सामरिक क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया और 1296 के बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके और इस खिलजी वंश की शासन सत्ता अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में आ गई और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो साम्राज्यवादी नीति थी, इसकी सबसे बड़ी नीति थी साम्राज्यवादी नीति, इसने अपने आप को सिकंदर ए सानी, दूसरा सिकंदर उपाधि से संबोधित करवाया और ये उत्तर भारत को विजय करके दक्षिण भारत के क्षेत्रों से धन प्राप्त करना चाहता था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और ऐसी अवस्था में अलाउद्दीन खिलजी के सामने समस्या थी, हमारे राजपुताना क्षेत्र में जो रणथंभौर का किला और चित्तौड़ का किला था, ये राजपुताना के मध्य क्षेत्र में ऐसे सामरिक क्षेत्र थे जहाँ से दो रास्ते गुजरते हैं, दो वे गुजरते हैं, यानी गुजरात अभियान करेंगे तो भी ये दिल्ली से अगर गुजरात अभियान करेंगे तो भी ये बीच के क्षेत्र में आता है और दक्षिण के क्षेत्र में भी अभियान करेंगे तो भी बीच के क्षेत्र में आता है। और राजपुताना के मध्य ऐसे क्षेत्र में आता है जहाँ से आसपास के समस्त राजपुताना क्षेत्र के शासकों पर नियंत्रण रखा जा सकता है, यानी रणथंभौर का किला और चित्तौड़ का किला। रणथंभौर के किले के पास एक और सुरक्षित किला था जिसे झाई का किला कहते हैं, जो रणथंभौर की कुंजी कहलाती थी, रणथंभौर का सुरक्षा केंद्र माना जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ये चाहता था कि किसी तरह से इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की जाए। तो जलालुद्दीन खिलजी पहले आक्रमण करता है रणथंभौर पर और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। और इस दौरान अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी के जो आक्रमण हुए, उन आक्रमणों का जो प्रतिरोध था, हमारे यहाँ पे प्रतिरोध करने वाले थे वो चौहान वंश, जो रणथंभौर की चौहान शाखा के थे, रणथंभौर की चौहान शाखा से संबंधित थे, चहमान या चौहान शाखा से संबंधित थे हमीर देव चौहान। अब हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रतिरोध किया, पहले जलालुद्दीन खिलजी का प्रतिरोध किया और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का प्रतिरोध किया। तो हमारे पाठ्यक्रम में ये है कि हमीर देव चौहान की उपलब्धियाँ और हमीर देव चौहान के द्वारा जो तुर्क शक्ति है उनका किस तरह से प्रतिरोध किया गया, ये हमारा बिंदु है कि किस तरह से उन्होंने प्रतिरोध किया है, तो उसे हम पढ़ेंगे। ये हमारा पाठ का परिचय था और परिचय के बाद हम अब पढ़ रहे हैं हमीर देव चौहान के द्वारा प्रतिरोध स्वरूप रणथंभौर की सुरक्षा के लिए क्या कार्य किए गए। जलालुद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तब और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तब, दोनों ही समय की बात है। अब हम ये समझ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने आक्रमण किए और आक्रमण के क्या कारण थे। जैसे कि हम राजपुताना के क्षेत्र में देखते हैं तो राजपुताना के क्षेत्र में रणथंभौर का किला, रणथंभौर का किला और इस रणथंभौर के किले के पास एक सुरक्षित किला था झाई का किला, झाई का किला। और दिल्ली के अंदर जो किला खुरी स्थान था, किला खुरी, इस स्थान पर और बलबन का जो लाल महल था वहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी यहाँ का शासक था। जैसा कि अमीर खुसरो लिखते हैं, इतिहासकार अमीर खुसरो, जिनकी रचना है मिफ्ता उल फुतुह, मिफ्ता उल फुतुह, और दूसरी रचना है खजाइन उल फुतुह, खजाइन उल फुतुह। ये जो पहली रचना है मिफ्ता उल फुतुह, ध्यान रहे विद्यार्थियों, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है
जलालुद्दीन खिलजी का जो उल्लेख है वो मित्ता उल फतह पुस्तक में किया गया है, और अलाउद्दीन खिलजी का जो उल्लेख है वो खजाइन उल फतूह में इसका उल्लेख किया गया है। तो अमीर खुसरो मिफ्ता उल फतूह में लिखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने जब दिल्ली में शासन सत्ता संभाली थी तो उस समय यहाँ रणथंबोर के किले पर यानी रणथंबोर के क्षेत्र पर जो शासन कर रहे थे समर सिंह यहाँ के शासक थे पहले, इसके समकालीन थे, और जैत्र सिंह यहाँ के शासक थे, और जैत्र सिंह के बाद इनका जो प्रतिनिधि बना ये जैत्र सिंह चौहान था, ध्यान रहे। और इसके बाद फिर जो शासन सत्ता आई वो शासन सत्ता या हमीर देव चौहान के पास आई, हमीर देव चौहान रणथंबोर के शासक थे, और हमीर देव चौहान शक्तिशाली शासक थे। लगभग बहुत सारे जो युद्ध 16-17 युद्ध ऐसा कहते हैं कि 17 युद्ध जो है वे उनमें से 16 युद्ध जो है वो 16 युद्ध हमीर ने जीते थे, और हमीर शक्तिशाली शासक थे। इसलिए आसपास के जो राजपूताना क्षेत्र के जो शासक थे जैसे गुजरात के चालुक्य शासक शासन करने वाले ये लोग थे, इन्होंने हमीर देव की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और हमीर देव शक्तिशाली शासक हुए। इसलिए हमीर देव ने एक यज्ञ किया जिसका नाम है कोटिजन यज्ञ। ये अश्वमेध यज्ञ के समान है, अश्वमेध महाविजय के उपलक्ष में जो अश्वमेध यज्ञ होता है उसी प्रकार का एक यज्ञ है जिसका नाम है कोटिजन यज्ञ। और हमीर देव चौहान ने जलालुद्दीन खिलजी के समकालीन यानी 1290 से 1296 इसके समकालीन इसी समय हमीर देव चौहान ने रणथंबोर में कोटिजन्य यज्ञ का आयोजन करवाया, और आयोजन के बाद समस्त जो आसपास के जो राजपूताना क्षेत्र के शासक थे उन्होंने हमीर देव चौहान की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इसलिए जलालुद्दीन खिलजी को लग गया था कि हमीर देव चौहान एक राजपूताना क्षेत्र के शक्तिशाली शासक है और हमीर देव चौहान के क्षेत्र को जीतना अनिवार्य है। तो सामरिक दृष्टि से रणथंबोर के क्षेत्र को और झांसी के किले को देखते हुए जलालुद्दीन खिलजी ने इनके राज्य पर आक्रमण करने के प्रयास किए। अब इसी समय एक घटना और घटित होती है। हम देखते हैं कि बलबन के समय से ही भारत में मंगोल शक्ति जो है वो प्रवेश कर रही थी, मंगोल भारत में बार बार आक्रमण कर रहे थे, और जलालुद्दीन खिलजी के समकालीन मंगोल शासक या मंगोल नेता अब्दुल्ला, ये जो अब्दुल्ला था इस समय मंगोल अधिक संख्या में यहाँ प्रवेश किए, और मंगोल प्रवेश करते हुए दिल्ली तक पहुँच के दिल्ली के निकट पहुँच के इसे जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को अपनी सेवा में रख लिया, मंगोलों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। इसीलिए दिल्ली के पास एक नया क्षेत्र मंगोलपुर जिसे कहते हैं वो बसाया गया, और यहाँ के जो ये मंगोल थे इन्हें नव मुसलमान कहा गया, न्यू मोमडंस या नव मुसलमान के नाम से ये मंगोल जो है वो नव मुसलमान के नाम से जाने जाते थे। दिल्ली के पास ही इनको बसाया गया, और जलालुद्दीन खिलजी ने अधिकतर मंगोलों को अपनी सेवा में ले लिया। इसमें मंगोल नेता मोहम्मद शाह और एक था केहब्रू, ये दोनों मंगोल नेता थे, मंगोल सेना के शक्तिशाली नेता थे, और ये दोनों ही जलालुद्दीन खिलजी की सेवा में थे। अब जलालुद्दीन खिलजी ने 1296 में पहला जो आक्रमण किया वो रणथंबोर के किले पर आक्रमण किया, और रणथंबोर के किले पर आक्रमण करीब सबसे पहले उन्होंने झांसी के किले पर आक्रमण किया। झांसी का किला जो है रणथंबोर की कुंजी कहलाता है, रणथंबोर का सुरक्षा केंद्र कहलाता है। तो लंबे संघर्ष के बाद जो गरगच बनाए गए, गरगच ऊंचे जो गरगच बनाए जाते हैं वो पत्थर फेंकने वाली मशीनें होती हैं जिसे मरकटी यंत्र के नाम से जाना जाता है, मरकटी यंत्र, भैरव यंत्र,
ये सब ऐसे मशीन फेंकने वाली मशीनें होती है, पत्थर फेंकने वाली मशीनें होती है जो किले के बाहरी क्षेत्र में स्थापित की जाती है और ऊपर से पत्थर फेंके जाते हैं, और सामने इन पत्थरों को रोकने के लिए एक पत्थरों की ऊंची दीवार बनाई जाती है, सुरक्षा दीवार, और उसके पीछे बैठा जाता है, उसको गरगच कहा जाता है। ऐसे गरगच और पासेब भी कहते हैं, जो ऐसे बड़े बड़े जो रेत के बोरे भर के रखे जाते हैं, इनको पासेब कहा जाता था। उसके पीछे सुरक्षित सेना जो है वो बैठती थी। तो इस तरह से पासेब और गरगच बना लिए गए जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। तो यहाँ झाइंग के किले पर ये मरकटी यंत्र और भैरव यंत्र है, इन यंत्रों के माध्यम से पत्थर फेंकने शुरू हुए, और इस संघर्ष में जलालुद्दीन खिलजी ने झाई के किले पर तो आक्रमण कर लिया। उसकी वजह यह थी कि इस समय कोटिजन यज्ञ के बाद हमीरदेव चौहान जो है वो मुनि व्रत में था। मुनि व्रत का मतलब है कुछ समय तक मौन धारण करके और वो तपस्या में लगे रहते हैं, ऐसी परंपरा होती थी। इसलिए हमीरदेव चौहान मुनि व्रत में थे, और हमीरदेव चौहान के दो सेनापति थे, धर्म सिंह और भीम सिंह। धर्म सिंह और भीम सिंह, ध्यान दें, परीक्षा में पूछा जाता है। हमीर देव चौहान के दो शक्तिशाली सेनापति थे, धर्म सिंह और भीम सिंह। तो धर्म सिंह और भीम सिंह का ऐसा प्रतिरोध रहा कि जलालुद्दीन खिलजी जो है वो इस क्षेत्र को जीत नहीं पाया, और आखिर में, जैसा कि मिप्ता उल फुतू में लिखा हुआ है, कि आखिर में जलालुद्दीन खिलजी को ये कहना पड़ा कि मैं इस तरह के रणथंभौर के किलों के जैसे अनेक ऐसे किले हैं जिन्हें मैं अपने बाल के बराबर भी नहीं मानता, मैं इन किलों को अपने बाल के बराबर भी नहीं मानता। ऐसा जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा? रणथंभौर के किले के लिए कहा, यानी अंगूर खट्टे, सीधी सी बात है कि वो जीत नहीं सकते। इसलिए उन्होंने अपनी सेना को वापस हटा लिया। अब जलालुद्दीन खिलजी के समय ही जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीज था अलाउद्दीन खिलजी, जैसा कि खजाइन उल फुतू लिखता है, अलाउद्दीन खिलजी ने एक क्षेत्र था कड़ा मानिकपुर का क्षेत्र, कड़ा मानिकपुर का क्षेत्र, पंजाब के क्षेत्र में कड़ा मानिकपुर का जो क्षेत्र था, इस कड़ा मानिकपुर के क्षेत्र में धन प्राप्ति के लिए, संपत्ति प्राप्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में आक्रमण किया गया, और इस क्षेत्र को जीतने के बाद यहाँ से जो धन प्राप्त हुआ उस धन का वितरण करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर बुलाया गया, और कड़ा मानिकपुर बुलाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी 1296 ईस्वी में, और उसके बाद शासन सत्ता है वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने हाथ में प्राप्त कर ली। और शासन सत्ता प्राप्ति के लिए अब अलाउद्दीन खिलजी के सामने एक तो मंगोलों की समस्या थी, और दूसरी ये मध्य भारत के क्षेत्र जहाँ से दक्षिण भारत में आक्रमण करना था और यहाँ से धन प्राप्ति करना था, और सामरिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से रणथंभौर पर आक्रमण किए हम उसे पढ़ेंगे। जलालुद्दीन खिलजी का जो आक्रमण था वो झाई के किले को ही जीत पाए, सफल नहीं हुए। आगे हम देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण। ये जो नव मुसलमान थे, ये नव मुसलमान मंगोल लोग थे, और जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का जो नेता था, मंगोल मोहम्मद मंगोल, जैसा कि मिप्ता उल फुतू लिखता है, और दूसरा जो केहब्रू था, वे इनकी सेवा में, यानी जलालुद्दीन खिलजी की सेवा में आ गए, और दिल्ली के पास मंगोलों के लिए एक नया क्षेत्र नव मुसलमानों के लिए मंगलपुर या मुगलपुर नाम से जो बसाया गया था, ये मंगोल यहाँ आकर रहने लगे और वो इनकी सेवा में शामिल हुए। अब हम देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर किए गए आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के आक्रमण, आक्रमण के हम सबसे पहले कारण देखेंगे कि इन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया। जैसा कि खजाइन उल फुतू में लिखा हुआ है, अमीर खुसरो की रचना है खजाइन उल फुतूह,
खजाइन उल फुतुह, दूसरी है मित्ताउल फुतुह। तो मित्ताउल फुतुह है वो तो उल्लेख करती है जलालुद्दीन खिलजी की, और खजाइन उल फुतुह है वो उल्लेख करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया, जिसका पहला हमारा जो बिंदु है वो है साम्राज्यवाद या साम्राज्य की महत्वाकांक्षा, साम्राज्यवादी होना। अब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण करना जरूरी ये था क्योंकि दक्षिण भारत में सबसे अधिक स्वर्ण था, सोना था, और उसे प्राप्त करना जरूरी था। और दूसरा ये था कि वो साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, जैसा कि उसने अपने राज्य सिद्धांत में उल्लेख किया कि वो एक सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर, अर्थात वह विश्व विजेता बनना चाहता था। लेकिन उसकी जो न्यायिक जूरी थी उसने निर्णय दिया कि वह विश्व विजेता बनने से पहले भारत के जो ये सामरिक महत्व के क्षेत्र है उनको जीत लें, उन्हें विजय प्राप्त कर लें, और इसीलिए वह भारत के क्षेत्रों को जीतना चाहता था। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था, जैसा कि रचना चंद्रशेखर की रचना है हमीरहट, और दूसरी नयन चंद्र सूरी की रचना है हमीर महाकाव्य। जैसा कि इन रचनाओं में उल्लेखित किया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल नेता थे मोहम्मद मंगोल और केहब्रू, इन्हें सेनापति अल्प खां और सेनापति जफर खां, इनके नेतृत्व में जो सेना भेजी गई थी गुजरात विजय अभियान के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए। तो गुजरात को जीतने के बाद जब ये सेना वापस लौट रही थी और रणथंबोर के पास ही क्षेत्र में पड़ाव डाला, और वहाँ से जो संपत्ति गुजरात से लेकर के आए थे उनमें से आधी संपत्ति को हड़प करके, और ये मोहम्मद मंगोल और केहब्रू रणथंबोर में हमीर देव चौहान के पास आ गए, और जब हमीर देव चौहान के पास आ गए यहाँ शरण ले ली। और अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही शासक बना तो उसने हमीर देव चौहान को संदेश दिया कि वह हमारे दुश्मनों को यानी जो मंगोल है उनको मुक्त करें या हमें सौंपें। दूसरा कारण चंद्रशेखर की रचना हमीरहट में उल्लेख किया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम थी, मराठा रानी थी, जिसका नाम था चिमना बेगम। ये मराठा चिमना बेगम और मंगोल मोहम्मद मंगोल ये दोनों मिलकर के अलाउद्दीन खिलजी को समाप्त करना चाहते थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद मंगोल को प्राप्त करना चाहता था, पहला कारण तो ये था। और दूसरा कारण ये था कि रणथंबोर जो है मध्य का क्षेत्र था, और हमीर ने कोटिजन्य यज्ञ करवाया था, और हमीर आसपास के राज्यों से शक्तिशाली शासक माने जाते थे। तो रणथंबोर के पास एक सुरक्षित किला था जिसे झाई का किला कहा गया। इसे रणथंबोर की कुंजी कहा जाता था। इस झाई के किले को तो जीता था जलालुद्दीन खिलजी ने, लेकिन रणथंबोर को जलालुद्दीन खिलजी नहीं जीत पाए थे। तो तीसरा कारण ये भी है कि जलालुद्दीन खिलजी की पराजय का जो अपमान हुआ था उस अपमान का वह बदला लेना चाहता था, यानी खिलजी राजवंश का जो अपमान हुआ था उस अपमान का अलाउद्दीन खिलजी बदला लेना चाहता था। तो पहला कारण है साम्राज्यवादी होना, और दूसरा कारण ये है मंगोलों का प्रतिरोध या मंगोलों का विद्रोह, और तीसरा कारण ये है कि खिलजी साम्राज्य का जो अपमान हुआ था उस अपमान का वह बदला लेना चाहता था, और चौथा कारण ये है अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर जीतने के बाद अधिक लालच हो गया था कि वह दक्षिण भारत में सर्वाधिक जो संपत्ति है स्वर्ण है उसे प्राप्त करना चाहता था मजबूत सेना बनाने के लिए,
इसलिए वह अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। सामरिक महत्व की दृष्टि से उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। अब हमें ध्यान देना है कि जब रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, उस समय अलाउद्दीन खिलजी के जो चार सेनापति होते हैं जिन्हें जानू कहा गया, हम याद रख सकते हैं जानू। पहला है जफर खां, दूसरा है अल खां, तीसरा है नुसरत खां, चौथा है उल्लुक खां, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी के चार यार कहा जाता था, जो अलाउद्दीन खिलजी के शक्तिशाली सेनापतियों में से माने जाते थे। उनमें से जफर खां जो है वो मंगोलों के विरुद्ध, बार बार जो मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, तो उनके विरुद्ध ये लड़ रहा था। और कुतलुग खां मंगोल के विरुद्ध आक्रमण में ये जफर खां मारा गया था, और पीछे अल्प खां, नुसरत खां और उल्लुक खां जो सेनापति थे, उनमें अल्प खां के नेतृत्व में, ध्यान रहे, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर जो पहला आक्रमण किया था 1297 में, ये जो आक्रमण किया गया था वो अल्प खां के नेतृत्व में आक्रमण किया गया था। और इस आक्रमण का प्रतिरोध अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति कर रहे थे, धर्म सिंह और भीम सिंह। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं और किस तरह से धर्म सिंह और भीम सिंह जो है उनका प्रतिरोध करते हैं। पहले आक्रमण में अल्प खां सेना लेकर के आता है, वह पराजित होता है, हालांकि वो झाई के किले को जीत लेता है लेकिन रणथंभौर को नहीं जीत पाता है। फिर दूसरी बार नुसरत खां और उल्लुक खां आक्रमण करते हैं रणथंभौर पर, और धर्म सिंह भीम सिंह उनका प्रतिरोध करते हैं। और इस दूसरे आक्रमण में नुसरत खां जो मारा जाता है, और उसके बाद तीसरा जो आक्रमण होता है वो उल्लुक खां के नेतृत्व में होता है, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आक्रमण करते हैं और 1201 में, और उस आक्रमण में वो रणथंभौर को जीत लेते हैं। और किस तरह से हमीर देव उनका प्रतिरोध करते हैं इसे हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।